अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो यूट्यूब फैमिली, आज मैंने कहा चलें आपके साथ पूरा दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो मशीन लगाने लगी हूँ, कपड़े धोने लगी हूँ। तो अब मैं ये एक मोटर चला दूँ, हमारा पानी भी ख़त्म है, और पानी भरूँ, सर्फ डालूँ, फिर मैं ये कपड़े निकालती हूँ कौन कौन से पहले डालने हैं। पानी भर रहा है मशीन में, तो मैंने कहा चले मैं साफ साफ कपड़े जो पहले हैं ना मेरे हस्बैंड के और बेटे के, वो पहले डालती हूँ, बाद में दूसरे अपने डालती हूँ। कपड़े काफी ज्यादा जमा हो गए हैं, 8 दिन बाद मैं मशीन लगाती हूँ, तो अभी 8 दिन नहीं हुए, तो हम मैंने कहा चलें आज कपड़े धो लेती हूँ। तार मैं लगा आई हूँ अंदर कमरे में, पानी बस थोड़ा सा और डालना है। अब सर्फ डाल देती हूँ, पाइप में सुराख हो गया, पानी सारा बाहर निकल जा रहा है। कपड़े मैंने कहा लैदा लैदा कर दूं, फिर उसी तरीके से ना जो जो कपड़ा साफ होगा इसके बाद वो डाली जाऊंगी। गंदे जो कपड़े ब्लैक कलर के ना वो एंड पे डालूंगी, क्योंकि इनका कलर ना लग जाए। ये मैंने साफ साफ एक साइड पे कर दिए, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये सारे एक साइड पे कर देती हूँ, इनको एंड पे डालूंगी ये सारे। चलो तो यूट्यूब फैमिली, जब तक हमारे कपड़े धुल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हलवा सूजी पड़ी हुई है हलवा बनाऊं, और थोड़ा सा मैदा पड़ा हुआ देखती हूँ, साथ पूड़ियाँ बनाती हूँ। ये मैं निकालती जाऊंगी कपड़े, और ये मैदा है, इसको मैं पहले छान लेती हूँ ताकि इसमें कोई सुंडी वगैरह ना हो। कपड़े भी हमारे धुल रहे हैं साथ साथ, और दो काम हो रहे हैं आज साथ में, एक कपड़े धुल रहे हैं और एक ये बन रही हलवा पूड़ी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लेती हूँ, बस हंसबे जरूरत, इतना इतना ज्यादा नहीं, और ये थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ इसमें ताकि इससे ना नरम बनती है। इसको पहले मैं ऐसे कर लेती हूँ, अब पानी डाल के भूनती हूँ। बिस्मिल्लाह, मैं तो पूड़ियों वाले आटे को ना बस नॉर्मल सा रखती हूँ, ज्यादा सख्त नहीं करती और ना ही ज्यादा नरम करती हूँ, फिर इजी बन जाती है। सख्त करें तो फिर बड़ा वो मेहनत की जरूरत है सख्त आटे को, और नरम करें तो वो फिर वो भी नहीं सही बनती, बस दरमियाना सा रखती हूँ। ये मेरी बेटी की फरमाइश थी कि साथ पूड़ियाँ बना लो मम्मा, मैंने कहा नहीं ये बड़ा काम है, कह रही नहीं नहीं बनाए, चलो बना लेते हैं। आटा गूंथ के रख दूंगी ना, फिर हलवा बनाना शुरू कर दूंगी, फिर बाद में ये है कि आटा जो है ना वो अच्छे तरीके से हमारा हो जाएगा नरम सा।
ये मैदा जब गूंदते हैं ना, ये हाथों को बड़ा घिरता है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। इसको गूंद के अब मैंने डब्बे में जो डाल के रखने ना ऊपर, वो शॉपर मैंने रखा हुआ है, वो लगा देना है तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। सूजी को पहले मैं छान लेती हूँ। पहले ये बॉल जो है ना स्टील वाला, मैं ये लेके आई हूँ कि बस इसका ही नाप करके ना बनाती हूँ। फिर ज्यादा खाया भी नहीं जाता, बस उतना ही बनाना जो अभी खाया जाए। और YouTube फैमिली, इसमें मैंने खोपरा लेके आई थी, वो बच्चे खा गए हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि वो किधर गया, तो कोई मान ही नहीं रहा कि हमने खाया है। ये इसको अब मैं छान लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा हलवा बनाते हैं, लेकिन आज वो घर पे नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। हल्की हल्की आग पे इसको भूनूंगी और ऑयल भी डालूंगी इसमें। जी अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। ये भी समेट लूं। ये इलायची है, ये तीन चार भी मैं शामिल कर देती हूँ इसमें। दो के वो दाने से निकाल देती हूँ, खुशबू आएगी अच्छी। और दो वैसे ही फेंक देती हूँ। चलिए अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनती हूँ। सूजी को भून रही हूँ, ये बस भून चुकी है। तो अब मैंने इसमें चीनी जो है वो नाप कर लेती हूँ। यही जो है बॉल सा, ये मैंने नाप किया था सूजी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही नाप लेती हूँ। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी सूजी तो हो चुकी है गोल्डन सी ब्राउन। तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ चीनी। तो YouTube फैमिली, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो ये मैंने चीनी शामिल कर दी है इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये चीनी भी हमारी मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ पानी और देखें। और मशीन भी हमारी बंद हो चुकी है। मैंने कहा चलें हलवा ये बन जाए ना, तो फिर मैं मशीन का एक पूर निकाल लेती हूँ और फिर दूसरा डाल दूंगी ना, तो फिर मैं पूरी बना लूंगी। ये वाला काम भी हमारा हो जाएगा और वो वाला कपड़ों वाला भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ना जबरदस्त बन रहा है। हमारी फातिमा को नहीं हलवा पसंद, मीठा कोई नहीं पसंद उसको। वो कहती मैंने नहीं खाना, आप खा लें। हमारे मुंह में मीठी चीज होगी ना तो कहेगी डाल दूं आपके मुंह में, मैं नहीं खाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से ना जबरदस्त हो गया तैयार। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ना वो ऑयल रखा हुआ था वो शामिल कर देती हूँ। जर्दा कलर भी मैंने फेंक दिया था एक दिन, वो पड़ा हुआ था। तो अब मैं सोच रही थी कि ना ही फेंकती,
अब ये थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि ये ऊपर ऊपर जब ऑयल आता है ना तो बड़ा जबरदस्त सा बना था। ये देखें माशाल्लाह हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको हल्का सा दम लगा देती हूँ। ये दो ही बनाएंगे, एक मेरी और एक मेरे कैमरामैन की, बाकी सारे बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे फिर बना लेंगे उनकी। ताजी ताजी बना के देंगे ना। बिस्मिल्लाह, ये मैं दोनों ही बना के प्लेट में डाल लेती हूँ ना, फिर ये है कि मैं दोनों ही एक एक करके फ्राई कर लूंगी। जब हम लोग छोटे थे तो हम जाते होते थे कुंडों का खत्म जो होता है ना, पूड़ियां बनाने, गली में किसी ने बनानी तो उन्होंने कह देना जी आप बच्चियों ने भी आना है हमारे साथ बनवानी है। तो फिर हमने ना बना के ना पूड़ियां सारी हुई चार पाई एक भर के रख देनी ऊपर कपड़ा डाल के, फिर उन्होंने इकट्ठी फ्राई करनी है। अब ये साइज जो है ना हमारा थोड़ा सा और करेंगे, तो सारी रात हमने जागना और बनानी। मुझे तो वो आज टाइम याद आ रहा है, तो बड़ा अच्छा टाइम होता था। जब डालूंगी ना थोड़ी सी और कर लूंगी फूल जाएगी। बिस्मिल्लाह, पूरी डाल के ना फिर इसको दबाते हैं फिर फूल जाती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बड़ी मेहनत का काम है। यूट्यूब फैमिली हलवा पूरी जो है ना, पूरी जो है ना ये बड़ी मेहनत का काम है। ये देखें माशाल्लाह साइड चेंज कर दी है और कितनी जबरदस्त हमारी पूरी हो रही है तैयार। मैंने वो वाला आटा उठा दिया, मैंने कहा जब आएंगे ना तो फिर बना दूंगी ऐसे, फिर ये गरम गरम खाएंगे मजा आएगा। अब इसको निकालते हैं। ये तो हमारी हो गई तैयार, तो अब मैं डालती हूँ इसमें दूसरी। ये डालते हुए तो डर ही लगता है कि कहीं उछल ही ना आए बाहर को तेल। हाँ जी, दूसरी भी हमारी बन चुकी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बनी है। और ये मैं आग अब बंद कर देती हूँ, हलवा डालती हूँ इस बॉल में। बिस्मिल्लाह, ये देखे माशाल्लाह से हमारी हलवा पूरी तैयार हो चुकी है और अब हम खाते हैं, तो फिर बाद में आपसे मिलते हैं। गुच्छा बना हुआ है, सुन लीजिएगा।
मशीन हमारी लगी रही थी तो फिर हमने वो खाने पीने का काम शुरू कर दिया। अब ये हमारे धुल गए हैं तो मैंने कहा निकाल के दूसरे डाल देते हैं। मैं इसको नतारती हूँ और तारों पे डालती हूँ, है कि 1 घंटे में हमारे कपड़े भी धुल जाने में तो हमारे काम हो जाने सारे। चले जी हो गए, अब ये दूसरे डालते हैं। ये फातिमा की शर्ट और ये वाले ये चक्कर जब तक आता है तो मैं कपड़े दूसरे नितार देती हूँ। हाँ जी, कपड़े मैंने ना उतार लिए हैं तो अब मैं डाल रही हूँ तारों पे, थोड़े से बस रह गए हैं। तो YouTube फैमिली, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।